हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वैल्यूबल कंटेंट में। दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं कि अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है और आपने अपने वीडियो को डिलीट कर दिया है तो किस तरीके से अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव करेंगे और आपको क्या प्रोसेस करना होता है। बहुत ईजी है, 1 से 2 मिनट की ये वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ स्टेप को फॉलो करना है, राइट। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मेरा कंप्यूटर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बहुत बारीकी से देखना। 2021 में ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया होगा इतना क्विक और ईजी वे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर चैनल ओपन करता हूँ। मेरे पास एक चैनल आया हुआ है और मेरे व्यूअर का है, आप में से किसी का है जिन्होंने मुझे अपने चैनल का आईडी पासवर्ड दिया, इन्होंने भरोसा जताया और भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। कोई अपने चैनल का आईडी पासवर्ड ऐसे ही किसी को नहीं देता है। तो इनके चैनल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉपीराइट स्ट्राइक है। अब इन्होंने वीडियो को कर दिया है डिलीट, मैंने चेक किया था। अब दिखाता हूँ आपको, इस कॉपीराइट स्ट्राइक पर करता हूँ क्लिक। यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक पर क्लिक करने के बाद अब लिखा हुआ है यू वीडियो दिस डिलीट, मतलब कि इनकी वीडियो डिलीट हो गई है। यू डिलीटेड दिस वीडियो, मतलब आपकी वीडियो डिलीट कर दी गई है और आपका जो कॉपीराइट स्ट्राइक है आईपीएल ने भेजा है और ये स्ट्राइक 15 जुलाई को खत्म होगी, मतलब कि 16 अप्रैल को इस पर आया है कॉपीराइट स्ट्राइक, राइट। तो इन्होंने एक गजब काम किया, जो कि आपको बता दूं, इन्होंने काम किया था काउंटर नोटिफिकेशन किया था। अब भैया काउंटर नोटिफिकेशन करोगे तो गड़बड़ तो होएगा ही, क्यों? क्योंकि काउंटर नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है जब आपके वीडियो पर आपका पूरा लीगल अधिकार हो तब काउंटर नोटिफिकेशन करना चाहिए। अगर आपका लीगल अधिकार नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं, मतलब हाथ जोड़ सकते हैं, भैया गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे, प्लीज आप इस वीडियो को हटा लीजिए, राइट। तो अब आपको बताता हूं करना क्या है, आपको वो गलती नहीं करनी है। सबसे पहले यहां पर आपको ओपन कर लेना होगा जीमेल अकाउंट। इनके जीमेल अकाउंट को मैं यहां पर ओपन करता हूं। जीमेल अकाउंट जब ओपन कर लोगे आप तो उसके बाद का पूरा प्रोसेस यहां पर आपको बताता हूं। बहुत इजी प्रोसेस है, मतलब आपको कर सकते हैं, यू कैन डू इट एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो करना क्या है, कैसे कुछ करते हैं जो सारी चीजें। अब इनके चैनल पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक का काउंटर नोटिफिकेशन इन्होंने किया था तो यहां पर आया हुआ है इनके पास, एक देख लेते हैं चैनल पर। और डियर अन्नान, थैंक यू फॉर कॉपीराइट, बोला यूट्यूब ने कि भैया आपने बहुत अच्छा किया कि हमें बताया, काउंटर नोटिफिकेशन किया। और यहाँ पर इज हैड नॉट बीन फॉरवर्डेड ओरिजिनल क्लेमेंट, वी विल अवेल टू रिस्टोर योर वीडियो और टू लर्न मोर अबाउट कॉपीराइट। और यहाँ पर यूट्यूब ने साफ साफ बता दिया कि भैया अदनान, अब हम आपके कॉपीराइट को नहीं हटाएंगे क्योंकि आपने काउंटर नोटिफिकेशन किया है, हमने इसको कर दिया रिजेक्ट, इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि आपकी ये वीडियो नहीं है, राइट। तो इतना काम तो आपको पता चल गया कि काउंटर नोटिफिकेशन नहीं करना है जब आपका अपना पर्सनल कंटेंट ना हो, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने के बाद इतना काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने डिस्प्यूट के लिए भी कर रखा है, देखो डिस्प्यूट के लिए भी कर रखा है, डिस्प्यूट हो गया है, इस पर भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें विवाद नहीं क्रिएट करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है उस पर ध्यान देना है, राइट। अब यहाँ पर जो कॉपीराइट आया था, मैं देख लेता हूँ इनके कॉपीराइट कहाँ, यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के चैनल पर कॉपीराइट आया था। कॉपीराइट आने के बाद जब आपके चैनल पर कॉपीराइट आ जाए तो आपको काम ये करना है कि मेल अपना ओपन करना है, और मेल जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस होगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिट्रैक्ट करने का, जो कि आपको जल्दी कोई बताने वाला नहीं है, बहुत रेयर केस में आपको वीडियो मिलेगी। तो रिट्रैक्ट पर क्लिक करना है, रिट्रैक्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। अब लिखा है इफ यू सबमिटेड ए टेक डाउन रिक्वेस्ट इफ योर कंटेंट वाज टेक डाउन, तो भैया अब हमने यहां पर करना है, हमारा कंटेंट हो गया है टेक डाउन। और यहां पर लिखा है कि अगर आपके चैनल पर कोई है प्रॉब्लम तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर पूरी डिटेल बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस भी दिया जा रहा है, जो कि हमें इस ईमेल एड्रेस को नोट कर लेना है। तो इस ईमेल एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, नीचे आऊँगा और पेस्ट कर दूँगा, राइट। पेस्ट करने के बाद अब फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिखा है एड्रेस लेने के बाद हम यहाँ पर इनके वीडियो के URL को भी कॉपी कर लेंगे,
ये वीडियो का URL है, वीडियो का टाइटल, दोनों कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करेंगे और अभी जो हमने यहाँ पर एक मेल एड्रेस लिया है, इस मेल एड्रेस को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिट्रैक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अपील रिट्रैक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक लिख दिया हमने, ठीक है। रिट्रैक्ट का मतलब ये होता है प्लीज कॉपीराइट स्ट्राइक को हमारे हटा लीजिए, राइट। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, इस सब्जेक्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और जहाँ पर मैंने लिख रखा है वीडियो का टाइटल, यहाँ पर अब हम वीडियो के टाइटल को डाल देंगे, ये राजस्थान रॉयल्स वर्सेस, ये डाल दिया हमने वीडियो का टाइटल, ठीक है। अब वीडियो का टाइटल यहाँ पर हमने डाल दिया है। वीडियो का टाइटल डालने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता है कि इतना सारा काम कर दिया, आई एम सॉरी अपलोडिंग माय राजस्थान रॉयल्स हाईलाइटेड ऑफिशियल ऑन विच आई हैव कंटेंट अश्योर द विल बी अपलोड नेवर अगेन यूट्यूब चैनल इन द फ्यूचर इन माय दैट अपलोडेड बाय टाइप द माई चैनल एंड अपोलाइज फॉर दैट, सारी चीज़ लिख दिया कि भैया गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे इन सब बातों का और नहीं करेंगे ऐसा कुछ, इतना हमने लिख दिया, राइट। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर हमें वीडियो की अपनी डिटेल भी डालनी है जो कि वीडियो की लिख देते हैं, हेयर आर वीडियो लिंक यहाँ पर डाल देते हैं, वीडियो का लिंक डाल देते हैं, वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक, सारी चीज़ें डाल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वीडियो URL और अपने हमने वीडियो का टाइटल डाल दिया है और वीडियो का URL डाल दिया है। ये दो काम कर लिया, ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि ज़रूरी होता है। डालने से क्या होता है कि आपके वीडियो को जल्दी YouTube फाइंड कर लेता है और आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर देता है, राइट। तो एक काम हमने ये कर दिया है और यहाँ पर एक आपको प्लस पॉइंट क्या काम करना है जो वो भी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम वो भी है। चैनल पर आ जाओ, यहाँ पर अपने आपको चैनल पर अपने आ जाना है, यहाँ पर मैंने चैनल इनका ओपन कर लिया। इसके बाद सिलेक्ट एक्शन पर कॉन्टैक्ट क्लेमेंट पर क्लिक करने के बाद कॉपी एड्रेस, जिसने हमें कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी हम उसके भी मेल को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। मेल को कॉपी करने के बाद हम उसके भी मेल एड्रेस पर यहाँ पर मेल करेंगे, राइट। मेल यहाँ पर उसके भी मेल एड्रेस पर मेल करेंगे, जिससे कि दो लोगों के पास जब कॉपीराइट स्ट्राइक का मेल जाता है रिमूव करने के लिए, तो फिर हो सकता है कि IPL वाले ने हमारे रिमूव कर दे मेल को देखने के बाद हमारी स्ट्राइक को, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक YouTube रिमूव कर दे, ठीक है। हाथ जोड़ना हमारा काम है, गलती हो गई है, आई एक्सेप्ट इट, ये सब लिख देना है कि भैया आगे से ध्यान रखेंगे, प्लीज़ आप रिमूव कर लीजिए, ऐसा करने पर हमारा चैनल बच सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अब हमने इतना सारा काम कर लिया है, अब इसके बाद हमें काम क्या करना है, यहाँ पर ये सारे काम जो हमने किए हैं, इन सारे काम को करने के बाद यहाँ पर अब हम सेंड पर क्लिक कर देंगे और सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिख कर आ गया मैसेज सेंट, मतलब हमारा मैसेज चला गया है। दोस्तों ये एक काम जो अभी मैंने आपको बताया है, ये 8-9 मिनट में सारी चीज़ें, इतना काम आपको कर लेना है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, बिलीव मानिए, आपके चैनल से अगर आपने अच्छे तरीके से मेल लिखकर अपने वीडियो का URL टाइटल सब कुछ दे दिया है, बता दिया है, और सामने वाली पार्टी जो कि मतलब थोड़ा सा उसके अंदर है पेशेंस कि भैया चलो गलती हो गई आगे से ध्यान रखेगा, तो आपके रिमूव करने के लिए स्ट्राइक को वो 1-2 दिन या 4-5 दिन ले सकता है, लेकिन रिमूव कर देगा, राइट। तो अभी इनके चैनल पर वीडियो हो गई थी डिलीट, फिर भी हमने किया है अपील और रिमूव होने का पूरा चांस है, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इनके चैनल पर क्या ये स्ट्राइक कैसे रिमूव होती है। जो भी होगा अपडेट हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसे ही तमाम लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।